हेलो एवरीवन, मैं सनी बहुत स्वागत करता तुहाडा अपने चैनल दे पंजाब सक्सेस मंत्रा। चलो सब तो पहला बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुहाडे नाल डिस्कस करने आने अज तुहाडे क्वेश्चनां बारे। बट सब तो पहला आपां डिस्कस करांगे बेटा जिहड़ा अपना वीकली शेड्यूल है जिहड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है तुहाडे वास्ते आने वाला है। जिद्दां जे आपां करंट अफेयर की गल करिए साडे वन ऑफ द बेस्ट योगेश सर तुहाडे लई लैके आणगे। डेली टाइम देखो जी किन्ना बजे है, 10:15 बजे, क्लीयर है? तो दोपहरे 12 बजे, ठीक है? पीसीएस के करंट अफेयर ने आशीष सर, कृति मैम, योगेश सर, आकृति मैम, भुपिंदर सर, योगेश सर थोड़े तो साझा करेंगे, क्लियर है? उस बाद डेली 10 MCQ रिवीजन फॉर पीसीएस, बहुत बड़ी गल है बेटा, बूंद बूंद दाल सागर बढ़ता। 10-10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने, सारे इंपॉर्टेंट, जिदा आकृति मैम मंडे आएंगे साइंस एंड एनवायरमेंट, नाल डीपी सर इकोनॉमी, विनय सर ज्योग्राफी, आशीष सर हिस्ट्री, योगेश सर पंजाब जीके, विशाल सर पॉलिटी दी नॉलेज तुहाडे नूं देणगे। उस तों बाद वन लाइनर 3 PM योगेश सर, योगेश सर, योगेश सर, योगेश सर, योगेश सर, योगेश सर, बिकॉज बच्चों की काफ़ी टाइम तो डिमांड थी कि सर वन लाइनर कराओ, वन लाइनर कराओ। बहुत सारे मैसेजेस भी आए, बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच भी की ना, तुहाडे कहण ते आपां 3 बजे लेके आए हैं, क्लीयर है? नैक्सट की है, यूट्यूब शॉर्ट्स मोटिवेशन सब्जेक्ट स्ट्रैटर्जी, ये है संदीप सर, योगेश सर, भुपिंदर सर, सोनम मैम आएंगे मंडे नूं। उस तो बाद संदीप सर, योगेश सर, भुपिंदर सर कैरी ऑन करेंगे रेस्ट ऑफ द वीक तुहाडे नाल। उस तो बाद 10 MCQ फॉर पंजाब PPSC एंड PSSB, ये है जी अपना शाम को 6 बजे, शाम की चाह पियो 6 बजे, तो साढ़े नाल जुड़ जो है जी टैक्सेशन, टैक्सेशन सनी सर, भुपिंदर सर, टैक्सेशन, क्लीयर है? उस तो बाद सैटरजी प्रमोशनल वीडियो ये हैगी जी 9 बजे, योगेश सर, सोनम मैम, भुपिंदर सर, संदीप सर, विकास सर। तो सैटरडे की जो आप गल करिए मैराथन सैशन बाय ऑल टीचर्स, तो प्लीज़ यदा स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनू तुसीं फॉलो कर सकते हो, क्लीयर है? चलो वध बेटा अज दे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दी तरफ। देखिए क्वेश्चन 1 की कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर्स ऑफ द वर्ड डिप्रेशन वर इंटरचेंज, उन्हें कहा जे डिप्रेशन दे अपन नंबर नु इंटरचेंज कर दी किदा, सीक्वेंस दसी हुई है अगले च, ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ, उन्हें क्या वर इंटरचेंज, पहले पहला सेकंड लेटर उन्हें क्या डी ते इन कर दो, पी ते आर कर दो, थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ लेटर द फिफ्थ एंड द सिक्स लेटर एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, क्लियर है? चलो देखते हैं की दिता, DEPRESSION डिप्रेशन कि उन्हें की किया है, ध्यान नाल सुनियो बच्चों मेरी गल, उन्हें किया है पहले तो दूजे लैटर नूं पलट दो, इहदा मतलब इत्थे आएगा ई ते इत्थे आएगा डी, क्लियर है? उस तों बाद आर ते पी, उस तों बाद एस ते बेटा फिर ई, फिर आई, फिर एस, फिर एन ते ओ, क्लियर है? ए सीक्वेंस है जिहड़ी एग्जामिनर ने साडे तों पुछी है, क्लियर है? क्वेश्चन तुहाडे पेपर च आया होया। उस तों बाद की दिता है, वो कह रहे जी राइट, तो यह साडा लैफ्ट है तो साडा राइट है जी, क्लियर है? यह साडा राइट है तो साडा लैफ्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ गया अपना, किहड़ा लैटर आ गया जी, पी, इज दैट क्लीयर? किहड़ा लैटर आ गया अपना 7वां, अपना आंसर आ गया जी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, अपना ऑप्शन आऊगा जी पी लैटर आऊगा अपने को, बिल्कुल सही आंसर है, क्लीयर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लियो, 7वां ही पूछा उन्हें, किहड़ा पूछा, 7th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल पी लेटर अपना बिल्कुल सही लेटर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इफ द वर्ड डिस्टर्बेंस द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द लास्ट लेटर एंड द सेकंड लेटर इट इंटरचेंज विद द 10th लेटर एंड सो ऑन, देन लेटर वुड आफ्टर टी इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, करो जी एक क्वेश्चन आप करके आए, दूसरा क्वेश्चन एक कैटेगरी का बंदा है, प्लीज करो इस क्वेश्चन छेती करो। हाँ जी देखियो मैं लिखदा, तुसी सॉल्व करो, मैं देखदा इनू, ठीक है? DISTUR BAN C,
डिस्टरबेंस। हुण ध्यान नाल देखो बेटा करना की है, वो कह रहे हैं टोटल लेटर किन्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। वो कह रहे जी डी नू ई दे नाल बदल दो, इहदा मतलब इत्थे ई आऊगा ते इत्थे डी आऊगा, इहदा मतलब ए भी हो गया साडा, ए भी हो गया। वो कह रहे नेक्स्ट लेटर नू सेकंड लास्ट लेटर नाल बदल दो, यानी इत्थे सी आऊगा इत्थे की आऊगा बेटा आई आऊगा, क्लियर है। नेक्स्ट इत्थे एस लिख दो तां इत्थे एन लिख दो, नाल दे नाल लेटर नू मार्क भी करते रहो ताकि तुसीं गलत ना करो। इत्थे ए आऊगा तो इतने टी आऊगा, इतने बी आऊगा, इतने यू आऊगा, तो आर आ गया अपना सेंटर का लैटर, क्लीयर है। ये साड़ी बनेगी हूँ सीरीज। हूँ देखियो की कह रहा है, टी तो बाद कौन लैटर आ रहा बेटा, टी तो बाद आ रहा अपना एस, क्लीयर है। टी तो बाद आ रहा अपना ऑप्शन नंबर सी एस, क्लीयर। तो ये बहुत चंगा क्वेश्चन से जोड़ा तुम्हें हमने किया। चलो वध नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इन आ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, यानी 40 बच्चे ने 40 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। पी इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, कि केड़ा खब्बे हाथ चो अपना पी 13वें लेटर ते हैगा, ते क्यू इज 19 फ्रॉम द राइट हैंड, ते सज्जे हाथ तो पी हैगा जी अपना क्यू हैगा 9th लेटर ते। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर दिस बिटवीन पी एंड आर इफ आर इज 4th टू लेफ्ट ऑफ क्यू। चलो देखते हैं, देखियो अपन लैफ्ट से राइट की कॉम्बिनेशन दी है बेटा, ये साडा लैफ्ट हो गया, ये साडा राइट हो गया, बिकॉज आर दिता है अपन लिख लिए, क्लियर। इन दर ऑफ 40 पर 40 चिल्ड्रन टोटल अपन दिता बेटा 40, क्लियर है। पी इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, इहदा मतलब पी इत्थे आऊगा, इतने केड़ा है 13th है क्या। मार्किंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्किंग करने ना तुसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्लियर है। एंड क्यू इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, है क्यू आ गया, ये आ गए इस 9th लेटर दे, फिर इथों मैं एरो इस करके लगा रहा ताकि तुहानू पता लगे कित्थों आपां गल शुरू कीती है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड आर If R is fourth to left of Q, fourth to left of Q का मतलब है 1 2 3 4, यानी 10 11 12 13, यानी इतो 13वां लेटर है, क्लियर है। इतो 13th है गया इदी पोजीशन, क्लियर है। हुण तुसी आंसर दसना, मैं कोई आंसर नहीं दसना, छेती दसो बेटा किन्ने है गया। देखो टोटल 40 दिते हैं, जे मैं गल करां टोटल 40 है, जे मैं गल करा इधर किन्ने बंदे ने, इधर 13 ने, फ्रॉम ये केड़ा है, ये है जी अपने कोल क्यू पी, ठीक है। जे मैं आर दी गल करा लेफ्ट तो आर ते इधर किन्ने है 13, ते जे 13 13 26 हो गया, तो किन्ना बचा 40 माइनस 13 लेफ्ट वाले ते 13 राइट वाले, 40 माइनस 26 बराबर कितना बचा बेटा 14। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, चलो चलते हैं, होपफुली मजा आ रहा है, एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहे हैं एन रैंक 5th इन अ क्लास, एस इज 8th फ्रॉम द लास्ट, if p is 6th after n and just in the middle of n and s, then how many students are there in the class? important question hai, tu try kar sakte ho, karo try please, karo try shabash, try kar sakte ho, tu is question nu try karo, main dekhda keda keda theek hai answer, please dasso। चलो देख दिया, देखो एन रैंक 5th इन द क्लास, मैं कह रहा ए साडा फ्रंट है, मतलब ये फर्स्ट है इतो ते अपना लास्ट है, मतलब इतने खत्म होंगे, क्लियर। वो की कह रहे हैं एन इज 5th इन द क्लास, मतलब एन की ये 5th है, ठीक है, एन है जी 5th है, एंड जस्ट उस बाद एस इज 8th फ्रॉम द लास्ट, तो एस है जी 8th, मतलब इतने तो अपने को 8 है, इतने किन्ने 5 बंदे ने, क्लियर। इफ पी इज 6th आफ्टर एन, जे मैं एन की गल करा 9 10 11 12
13 14 इतने है, इतने कड़ा हैगा इफ टी जे टी इतने हैगा इन्हों थोड़ा सा अपन कट के लिखते हैं ते एक और इनफॉरमेशन दीती है कि टी इदा मतलब इन्हां दे विच पंज होणगे ते इदे बाद भी पंज होणगे होणगे नहीं होणगे दसो बिकॉज उन्हें क्या है टी तो छेवा बंदा टी एन तो छेवा बंदा टी है इदा मतलब एन ते टी दे विचकार पंज बंदे होणगे नहीं होणगे दसो मैनू बिल्कुल ते उन्हें कहा है एन ते एस दे बिल्कुल विचकाले है कि जेड़ा टी हैगा वह बिल्कुल सेंटर ते हैगा एन ते एस दे विच क्लीयर तो किन्ने हो गए बंदे टोटल अपने को जे मैं गल करा अठ जमा पंज जो मैं एक टी हो गया जमा पंज जमा पंज देखो जरा चेक करो ऑप्शन आ रहा है अठ पांच तेरह एक चौदह ते दस चौबीस हो गए ना तो अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है बेटा क्लियर ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है इस क्वेश्चन का क्लियर है चलो होपफुली क्लियर हो गया होना आप बताए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो हूँ कह रहे जी डायरेक्शन ऑफ अ सर्टन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड ऑन वन साइड ऑफ एंड ए रेशो का प्रपोर्शन का साइन होंगे एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन अनदर साइड ऑफ प्रपोर्शन वाइल अनदर वर्ड इज टू बी फाउंड फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस ऑल्टरनेटिव इदा कह रहे जी इदा होंगे इन्हों रिलेशन दिता होना है इन्हों अपन फाइंड आउट करना होना है इदा कुछ दिता है चलो देखते हैं क्वेश्चन से की कह रहे हैं चलो सेडेटिव पेन सोलेस बताओ जी की आंसर इदे इन क्वेश्चन वास्ते तुहाडी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए है क्लियर है बताओ छेती की मतलब है देखियो जे आप सेडेटिव की गल करें सेडेटिव होंगे की है जे मैं सेडेटिव की गल करा यह की होंगे मरम पट्टी कहते हैं दवाई नहीं कहते हाँ जी सैडेटिव इन कहा जाता कि जिहड़ी दवाई साडा दर्द कम करे सैडेटिव कहते हैं कहा जाता उन्होंने दवाई कहते जे इहदा मतलब जब पेन है तो आप दवाई लेंगे सानू सैडेटिव देने पैने क्लियर उदा सोलेस सोलेस का मतलब की है सोलेस का मतलब की है बताओ बेटा वेरी गुड सोलेस का मतलब की है देखो सोलेस का मतलब होता दिलासा देना इदा मतलब होता दिलासा ठीक है दिलासा इदा मतलब होता दवाई ठीक है तो सोलेस किनू देंगे जिन्हें गरीब जिन्हें दुख होगा क्लियर है जिन्हें दुख होगा दिलासा उसने ना दोगे तुम आई हो गया साढ़े को क्लियर है चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ये सर ये तुहाडे पेपर च आए थे कोऑपरेटिव वाले क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं बेटा चलो ए क्वेश्चन करके दसो मैं किन्ने छेती बहुत वधिया करो शाबाश छेती करो वधिया जिहा क्वेश्चन हैगा प्लीज डू दिस देखियो सर्कल सर्कमफेरेंस देखो जे मैं सर्कल की गल करा उदा सर्कमफेरेंस की होंगे तुम इतों चले बारों बारों चल के आ गए तो सर्कमफेरेंस होंगे टू पाई आर क्लियर है सर्कमफेरेंस की होंगे बेटा टू पाई आर नैक्सट देखियो नैक्सट होंगे स्केयर हूँ जे आप स्केयर की गल करिए जे स्केयर के आप बाहर चलना शुरू करिए इतों तो की होगा साढ़े को पैरीमीटर जे तुसी सर्कल बारे गल करो तो उन्होंने आप कहते सर्कमफेरेंस ठीक है जे आप स्केयर की गल करिए रैक्टेंगल की गल करिए उस टाइम आप कहे पैरीमीटर सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज किया जाता बेटा इन क्लीयर है चलो होपफुली क्लीयर होगा क्वेश्चन नैक्सट चलते हैं चलो डिग्यों कन्फाइनमेंट असाइलम दसो मैं की यदा ये वास्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट वकैब चाहिए तुम्हें दसो की है मतलब दसो इदा मतलब दा तुहानू पता होना चाहिए कैद करके रखना कैद करके रखना
क्लियर है, फिर रखना हो गया इन, ठीक है इनू की कहोगे अपना कैद करके रखना। तो इनू क्या कहते हैं काल कोठरी, की कहते हैं काल कोठरी, जिन्हों तुसी जेल कहते हो अंधेरा जहा कमरा होंगे ना, जरा ज्यादा कैदी होंगे भयंकर भयानक वाला, उन्होंने कहते आप काल कोठरी। असाइलम की होंगे, असाइलम की होंगे जिथे बंद रखे जाता जिन्हों को घर नहीं होंगे, वो कहे होंगे ने बेटा रेफ्यूजी। क्लियर है, तो इस वास्ते एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनू इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो। क्लियर है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, ना भूलियो क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कोर्ट जस्टिस स्कूल, दसो मैंने की आंसर, वधिया जिहा क्वेश्चन है छेती दस दो। आपां नूं जस्टिस कित्थे मिलदा है, आपां नूं केड़ा नहीं सुनगा जस्टिस कित्थे मिलूगा, कोर्ट ते स्कूल जाओगे तो की मिलूगा बेटा, एजुकेशन। क्लियर है, जे आपां कोर्ट जावांगे तो की मिलूगा, एजुकेशन। क्लियर है, एजुकेशन कहिंदे इहनूं। चलो लास्ट टू क्वेश्चन, तुसीं प्लीज करो इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम च आए हुए क्वेश्चन है सारे दे सारे, ये करो प्लीज इनू करो, शाबाश करो, शाबाश शाबाश शाबाश। देखियो अपन दिता की है डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश USR TU डैश ये दिता है। हूँ ध्यान देखो इस क्वेश्चन तुम्हें करना की होंगे, जेड़े दो रिलेशन वाले बड़ा उन्होंने पकड़ो, जिधर TU कट्ठे है RT कट्ठे, RT इधर भी कट्ठा है, इदा मतलब RT तो पहला की आना चाहिए, RT तो बाद आना चाहिए U। ठीक है देखो इधर RT तो बाद की है जस्ट, RT तो बाद है अपना U, तो RT तो पहला की है S। ठीक है टी यू इधर भी आना चाहिए एस, क्लियर है, तो इधर की है टी यू तो पहले की है बेटा आर, क्लियर, तो कह रहा एस तो बाद की है टी, सॉरी एस तो बाद अपना आर ते, एस तो बाद कहना अपना आर ते टी। ठीक है तो आर एस यू आर टी एस, तो केड़ा ऑप्शन बन रहा बेटा है आर एस यू, आर एस यू आर टी, आर टी यू कुछ मैं लगता ऑप्शन अच्छे दिक्कत होगी है, लेट मी चेक इट वंस अगेन, ये क्वेश्चन आर टी यू आर टी एस, बिल्कुल सही आर टी यू आर टी एस, इधर आया आर, चलो आर टी यू RTS ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, मैंने लग रहा जिसे वाई आ गया उत्थे कुछ ना कुछ मिसप्लेस होया, इधर अपन आना चाहिए आर टी, इधर आर से टी आना चाहिए, ठीक है इधर आना आना चाहिए, तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, इदा था अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लग गया। चलो फिर मैं एक बार चेक करांगा आर एस यू आर टी एस, बिल्कुल सही है ऑप्शन, सही है मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते बेटा, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है अद्धा, प्लीज इनू करो, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही ने, दसो मैंने की है आंसर, प्लीज करो शाबाश, इंपॉर्टेंट है करो शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। चलो देख जा, देखिए इधर सानू पता बी ए बी कठा रहे हैं, तो ए बी तो बाद की आना है, ए बी तो पहला की है, जे तुसी देखो बी तो बाद ए आना है, ठीक है जे तुसी देखो बी ए डैश सी बी, तो सी बी कट्ठा आ रहा अपना है ना, तो इतने पर सी लिख सकते हैं, एक बार करके देखो बी तो पहले सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है, तो बी तो बाद भी सी आना चाहिए, क्लियर है, तो होर की रह गया बी तो पहला ए आ रहा है, सी तो पहले बी आ रहा है, तो बी ए सी सी, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल
ठीक आंसर है बेटा, क्लियर है। तब बी ए सी सी अपना बिल्कुल सही आंसर है, बी ए सी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर दे भी थे। सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर से आए हुए थे बेटा, ध्यान रखो सारे, एक तो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन दे, थैंक यू।